आज की हमारी इस गूगल सीट क्लास में हम बात करेंगे मैच इंडेक्स और एक्स लुकअप के बारे में। देखिए वी लुकअप की एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, को लेफ्ट मोस्ट कॉलम को लेता है। अब देखिए मेरा आईडी जो है ये यहाँ पे है, तो मान लीजिए मुझे 1110 का अगर कोर्स चाहिए या अमाउंट चाहिए तो हम इजिली यहाँ पे वी लुकअप लगा लेंगे। वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने, यहाँ से हमने डेटा को सेलेक्ट में गलत हो गया, यहाँ से हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे कॉमा 3,0, तो रिजल्ट आ गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसकी सिटी चाहिए तो वी लुकअप के पॉसिबल है? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिटी के लिए अपना इसको उठा के स्टार्टिंग में रखना होगा, दूसरा कोई तरीका नहीं। लेकिन मेरे पास दो फॉर्मूले, पहला है फॉर्मूला मैच का, राइट सर, मैच फॉर्म मैच विद इंडेक्स। तो मैच फॉर्मूला लगाया और इस 110 को कॉलम सी में ढूंढा, और कॉलम सी में ढूंढने के बाद इसने इसका रो नंबर 12 दिखा दिया, रो काउंट। यहाँ से काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 आ गया सर, ठीक है। तो 12 नंबर कॉलम आ गया। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है इंडेक्स का। इंडेक्स फॉर्मूला कहता है कि तुम डेटाबेस को सेलेक्ट कर दो और मुझे बताओ इसमें से कौन सा रो और कौन सा कॉलम चाहिए आपको। तो मैंने बोला 12 नंबर रो और हमने बोला 2 नंबर कॉलम। क्या बोला, 12 नंबर रो एंड 2 नंबर कॉलम। ये क्या करेगा, यहां से 12 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम पे जाएगा, उसका डेटा यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है सर। अब ये जो 12 है ये तो हमें मैच दे रहा है ना, क्या सर? तो इस मैच की फॉर्मूले को हम 12 के ऊपर डाल देते हैं। अब ये मैच फॉर्मूला 110 का रो नंबर ढूंढने किसको देगा, इंडेक्स को देगा, और इंडेक्स उस रो नंबर का डेटा शो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया 107, तो 107 का 9 नंबर का रो जो है वो 9 नंबर का रो ढूंढ के इंडेक्स को मिला, ठीक है। और इंडेक्स ने इसका दे दिया सर रो नंबर। तो मैच बोलिए, लास्ट में 2 क्यों है सर, रो एंड कॉलम दोनों देना होगा ना सर, अब ध्यान। अच्छा तो ठीक है समझ लो। इंडेक्स ये रो हो गया और वो दो कॉलम। इंडेक्स देखिए, इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स बोलता है डेटा दो और बताओ उस डेटा का कौन सा रो और कौन सा कॉलम चाहिए। तो रो तो मैच दे देता है और कॉलम तो मैनुअली हमने काउंट करके दे दिया दो, या कॉलम के लिए भी आप मैच का फॉर्मूला लगा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, समझे। तो ये किसी पार्टिकुलर एक के लिए होगा, मेरे को 20-25 एंट्री करना है क्या 20, तो कोई बात है ड्रैग कीजिए, नीचे होगा ना सर, यहाँ पे से नीचे वो काम नीचे काम कर जाएगा, 115 120 ड्रैग कीजिए, एक सेल में करेगा तो सब में करेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ ठीक है, नीचे आएगा तो चेंज होता रहेगा आपका सर, 120 है ही नीचे, 120 नहीं है इसे मिली 170 तक किया, ठीक है ठीक है। अब यहाँ इंडेक्स की प्रॉब्लम है कि उसको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। मेरे पास एक ऑफसेट का भी फॉर्मूला है, इसका ऑफसेट का। तो ऑफसेट फॉर्मूला क्या करता है, स्टार्टिंग ऑफ द रेफरेंस देना होता है कि आपका डेटा स्टार्ट कहाँ से है। तो मेरा डेटा स्टार्ट है A1 से, A1 दे दिया, फिर हमें बोला कौन सा रो, तो हमने बोला 9 नंबर रो, कौन सा कॉलम, तो हमने बोला 1 नंबर कॉलम। अब इसमें 1 क्यों दे रहे हैं, अब गलती आया, एमयूजेड क्यों आया। देखिए क्या होता है कि ऑफसेट हमेशा काउंटिंग जीरो से करता है, इसलिए -1 आपको करना पड़ेगा, मतलब ऑफसेट के मुकाबले एक कम देना पड़ेगा। अब देखिए आगे काशी,
तो इसने बोला ए वन से 9 माइनस रो, मतलब कि 8 रो, यहां से काउंटिंग शुरू किया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे पहुंचा, फिर 0 एंड 1 81 को शो कर दिया। समझ गए? फिर से आप फॉर्मूले को ले गए, ऑफसेट लगाया आपने, पहला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने इसको कौन सा लिया, हमने i9 a9 इसको दिया, मैच का रिजल्ट, मैच। अच्छा मैच से ही लगा रहे हैं क्या? हाँ ठीक है, करने का मतलब है कि ऑटोमेशन कैसे होगा, क्योंकि ऑफसेट ना ढूंढने, किसी पर्टिकुलर आईडी को तो ढूंढता नहीं है ना, तो ढूंढने का काम तो आपका ही करेगा ना, रो करे, मैच करेगा। तो मैच से ढूंढ के 107 का रो नंबर 9 दिया, और ऑफसेट कहता है कि भाई मैं 0 से काउंट शुरू करता, तो मतलब इंडेक्स में अगर आप 9 देते हैं तो आपको ऑफसेट में जो है आपको 8 देना पड़ेगा, 2 कम मिलेगा, हाँ 1 का, इसलिए हमने यहाँ पे 2 के जगह पे 1 किया है, और इसमें से ऑफसेट में से हमने 1 को घटा दिया, और आपके सामने रिजल्ट है। तो आप इंडेक्स मैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप ऑफसेट मैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं वी लुकअप के जगह पे। बट मैं कह रहा हूँ ये माइनस वन जीरो से काउंट कर रहा है, ठीक है सर, तो जीरो के बाद वो आएगा एक के, उसके बाद वो आएगा दो के, अगर आप पांच नंबर ढूंढना चाहते हो तो 4 नंबर की वैल्यू आपको बताएगा। जी हाँ, ये आप कह रहे हो, तो माइनस वन लेने से क्या फायदा होगा सर? आप नहीं समझे, यहाँ जो हम रो नंबर देंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने दिया 9 नंबर, 9 नंबर देगा ना, तो फिर वो क्या है, 10 दसवां पे पहुंचेगा, मतलब फिर वो 81 नहीं, यहाँ पे मेरे एम्यूजेट पे पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ से जब काउंट करेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 9 पहुंचा तो 10 हो गया, समझ गया ना, क्योंकि 0 से शुरू किया ना, सिंपल सी बात है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पे गया तो 10 हो गया, हाँ ठीक है, तो आपने उसमें से एक को कम कर दिया तो वो अपना 10 में से 9 हो जाएगा, ठीक है सर, क्लियर है। अभी वी लुकअप क्या करता है कि एक छोड़ के हम लोग काउंट करते हैं, जिस पे लगा रहे हैं उसे छोड़ देते हैं, 2 से काउंट करते हैं, 2 3 4 5 है ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी होता है, आईडी तो ऑलरेडी है, तो आईडी को क्या लुकअप कीजिएगा, इसलिए। तो आपको पता चल गया ऑफसेट और मैच का फंडा, एंड मैच, हाँ मतलब कि जब आपका उल्टा भी लुकअप, मतलब कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट जाना हो, तो उस केस में मैच इंडेक्स या ऑफसेट मैच का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप यूज कर लेंगे एक्स लुकअप को, अगर आपको मैच इंडेक्स आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है, ऑफसेट मैच क्रिटिकल लग रहा है, तो यूज कीजिए एक्स लुकअप, यहाँ पे मेन यूज आता है एक्स लुकअप का, वैल्यू एंड रिजल्ट वेक्टर, समझे, उसका वैल्यू एंड रिजल्ट वैल्यू, सिंपल लगाने का तरीका वही है। तो वी लुकअप अब सर ये ड्रैग नहीं होगा ना, फिर तो क्यों नहीं ड्रैग होगा, राइट साइड में ड्रैग करिए इसको, राइट साइड में भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड में कर सकते हैं, लेकिन ड्रैग करने से पहले आपको करना पड़ेगा फ्रीज, तब मैं ड्रैग करेंगे हर फॉर्मूला ड्रैग होगा, बस आप जो रेफरेंस दे रहे हो उसको आपको करना होगा फ्रीज, तभी आपका वर्क करेगा। जैसे कि मैं H3 का H अगर मैंने कर दिया डॉलर साइन लगा दिया, इसको मैंने कर दिया फ्रीज, ठीक है, अब B1 आपका रिजल्ट है, अगर B1 को फ्रीज नहीं किया तो आगे ड्रैग करोगे तो आपका आईडी आएगा, क्योंकि आपका यहाँ C/C पे आईडी है, आगे ड्रैग करोगे तो आपका कोर्स आएगा, उसके आगे ड्रैग करोगे तो ये आएगा, उसके आगे कुछ नहीं है तो ब्लैंक आएगा, तो आप यही कह रहे हो ना, बट मैं कह रहा हूं आईडी तो फिर दो दो बार हो गया,
आईडी दो दो बार हो गया, आप यहाँ पे एक बार मैनुअल लिख दिए, एक बार फॉर्मूला में आईडी है, तो इसमें एक फॉर्मूला ही क्या गलती है? गलती तो नहीं है बट आखिर आईडी तो वही तो मैं कहना चाहता था आप जो है आपसे। मत लगाइए फिर, आप इसको हटा दीजिए लीजिए, हो गया। ये तो जब कट सिक्वेंसली पे तो सुनिए, मैं अगर ये कह सिक्वेंसली अगर रहेगा, सिक्वेंस में रहेगा तो भी आएगा ना, देखो ड्रैग तो सिक्वेंस हो रहा है ना सर, तो हाँ, आपका तो जब आईडी मैं कह बीच में रहा पड़ जा रहा है, इसका से दिक्कत हो रहा तो जब कट पेस्ट भी करना है उससे बढ़िया मैं एक बार यही कॉलम को काट के सबसे आगे लगा दूंगा, री लुकअप लग जाएगा सबसे। तो प्रॉब्लम ये है कि जब आप देखिए ये जो आप सोच, आप यही पे सोचता है आपकी गलती होती है। देखिए अगर मान लीजिए कि आपके पास एक रिपोर्ट बना हुआ है, ठीक है ना, अब उसके अंदर डेटा है, अब डेटा के अंदर छेड़छाड़ करेंगे तो उससे बने हुए शीट पे प्रॉब्लम हो जाएगी ना सर। अगर एक डेटा पे छेड़छाड़ नहीं, एक डेटा पे आपको एक अगर रिपोर्ट बनानी है तो डेटा को छेड़छाड़ कर लोगे ना। देखिए एक डेटा पे ऑलरेडी 5 रिपोर्ट बना हुआ है, छठा रिपोर्ट बना रहे हो और छठे रिपोर्ट पे आपको प्रॉब्लम आ गई तो डेटा को छेड़छाड़ नहीं करोगे ना। डेटा को छेड़छाड़ करते हो तो फिर 5 रिपोर्ट में दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि मान लीजिए 5 रिपोर्ट में डी कॉलन पे कोर्स है और छठे कॉलन में मान लीजिए प्रॉब्लम हुई तो आपने क्या किया, इसको लेके ए में डाल दिया, दिक्कत हो जाएगी ना, फिर काउंटिंग भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर बाद में लगा देंगे क्या इसको, उसको इस कल टू कर दो, उसको आप पेस्ट बात करके आ नहीं समझ, जाएगा। आप समझ नहीं पा रहे उज्जवल जी, पहली चीज को समझिए, आपका जो डेटा है उसको उसको अगर छेड़ सकते हैं तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, आप सिंपल वी लुकअप लगा लो, पहली चीज समझ गए। दूसरी चीज, हर सिचुएशन में डेटा को छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप, हर सिचुएशन में डेटा को छेड़छाड़ नहीं कर, हो सकता है कि डेटा किसी और फाइल से लिंक हो सकता है इस डेटा पे बने हुए ऑलरेडी 5-7 और रिपोर्ट्स बने हुए शीट्स पे फॉर्मूला लगे, अब एक को छेड़ोगे डेटा, अगर आपने डेटा को छेड़ा था पूरा हिल जाएगा ना। घर की नींव कब ठीक चली जाती, कब घर की नींव पे कम काम होता है, जब आपका घर बनता है, घर बन गया, एक कमरा आपका टेढ़ा हो गया, उसके नींव थोड़ी घसकाएंगे आप, ठीक अगर नींव घसकाएंगे तो पूरा घर का दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हर बार डेटा में छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं होता है, हर बार डेटा को छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं होता है, जब डेटा को छेड़छाड़ करना पॉसिबल नहीं होता है तब ये सारे ट्रिक्स काम आते हैं। या हो सकता है कि आपके पास दो तीन तरह की यूनिक आईडी हो, जैसे ट्रांजेक्शन आईडी, बैंक भी देख लीजिए ना कि बैंक में क्या होता है, ट्रांजेक्शन आईडी होता है, अकाउंट नंबर होता है, चेक नंबर होता है ना सर। हाँ अब मान लीजिए कि अकाउंट नंबर से 4 शीट वर्क कर रहा है, चेक नंबर से 2 कर रहा है, चेक नंबर बीच में है, आप चेक नंबर को उठा के सबसे स्टार्ट में डाल देगा तो बाकी के 3 शीट वर्क नहीं करेगा ना। फिर आपके पास एक पूरा का पूरा डंप डेटा है, उसमें अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर, चेक नंबर सब दिया हुआ, 2 शीट पे आपने डेटा लुकअप किया हुआ है अकाउंट नंबर से, एक पे आपने किया हुआ है ट्रांजेक्शन नंबर से, और तीसरे में आपको करना है, तीसरे चौथे में आपको करना है चेक नंबर से, क्या करेंगे? चेक नंबर बीच में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, उठा के सबसे स्टार्ट में रख देंगे, रखेंगे तो बाकी 4 शीट नहीं करवा जाएगा आपकी। हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे मान लीजिए अपना काशी हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, और इसका अमाउंट हो गया, ठीक है। अब मेरे को एमएस ऑफिस के बाद उसका नाम चाहिए, तो फिर इस कंडीशन में हमें क्या मैच वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? हाँ देखिए, तब जो है आपका एक्स लुकअप वर्क नहीं करेगा, तब एक्स लुकअप जो है हम नहीं करके वी लुकअप मैच का यूज करेंगे, मैच और वी लुकअप लगाएंगे, है ना, हाँ, या ताकि फिर हम मैच उसका। इंडेक्स, मैच इंडेक्स, मैच इंडेक्स मैच या वी लुकअप करेंगे। हाँ ये भी ठीक, इंडेक्स मैच का फॉर्मूला लग जाएगा उस कंडीशन। जी ठीक समझ गए, ठीक है। अब मेरे ख्याल से तो सबसे बढ़िया वही रहेगा, मैच और वी लुकअप वाला, ताकि आपको नाम लिखना है तो उसके आगे नाम लिख दो, वो सारा नाम के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, है और ना। कंडीशन वही है कि आपकी यूनिक आईडी स्टार्टिंग में होगा तभी करेंगे, अगर हाँ
अगर स्टार्टिंग में नहीं हुआ तो नहीं कर पाएंगे, समझे? तो ये चीजें हमने शुरुआत में आपको वी लुकअप पढ़ाया, हम डायरेक्टली एक्स लुकअप क्यों नहीं पढ़ाए, क्योंकि वी लुकअप हमारा मेन है, उसके बाद मैंने एक्स लुकअप पढ़ाया, उसके बाद मैचिंग देगा। ये एक्सेप्शन है कि जब डेटा वी लुकअप के अकॉर्डिंग नहीं होगा तब इसका इस्तेमाल करना है, आपको थोड़ी कर रहा हूं कि नहीं इसी का इस्तेमाल करो। ये सेकेंडरी केसेस में है, मैं स्टेपनी की तरह है, हाँ समझ गया, पहले वी लुकअप से काम नहीं हुआ तो इन लोगों का यूज करना पड़ेगा, करना क्योंकि जी हमें तो अपने डेटा ले आने से मतलब है, चाहे वी लुकअप से लगे या फिर एच लुकअप से लगे, कैसे भी। ठीक जी हाँ ठीक है। ठीक अब बात करते हैं एक्स एच लुकअप की। एच लुकअप कि मैंने पेस्ट स्पेशल करके मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। अब मान लीजिए मुझे 111 नंबर का क्या चाहिए, 111 नंबर का अमाउंट चाहिए, तो वी लुकअप तो वर्क करेगा नहीं इस पे, इस पे हम वर्क करवाएंगे एच लुकअप का। किसका? एच लुकअप। एच लुकअप। सेलेक्ट किया और हमने ठीक इस तरह से रो को सेलेक्ट किया और हमने है रो ठीक कॉलम नंबर की जगह पे रो नंबर के 1 2 3 3 दिया एंड कॉमा 0 आ गया सर। अब आप बोलेंगे आप उससे पहले ही हम आपको बता देते हैं कि इसको भी ड्रैग किया जा सकता है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ सर, मेरे को ना ये थोड़ा सा बढ़िया से बताना, क्योंकि मेरे को एच लुकअप ना समझ में आता नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई किया है खुद से, बट मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। ठीक है, अभी वी समझ में आया ना आपको? लुकअप तो देखिए ये चीज तो मेरे को आ गया, ठीक है, आप ड्रैग भी इसको नीचे कर लो तो वो भी समझ में आ गया, अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल इसको पेस्ट करना हुआ तो, अगर क्या हॉरिजॉन्टल? राइट साइड में इसका डेटा और पेस्ट करना है तो। यहाँ पे और चाहिए आपको, और वी लुकअप लगाने, मतलब अमाउंट की हाँ जगह आप चाहते हैं कोर्स चाहिए बोल रहे हैं ना आप, चलिए तो फिर ठीक तो दोबारा से एच लुकअप लगाना पड़ेगा, हाँ, मतलब या एक बार एक में ही नहीं बार होगा, सेम, दो 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 या बार इसी लगाना को नहीं ना पड़ेगा। इसी को भी ड्रैग कर सकते हैं, इसको बी को फ्रीज करके इसको भी ड्रैग कर सकते हैं, बट आपका रो नंबर चेंज करना पड़ेगा, ठीक यहाँ पे रो नंबर के जगह पे 3 के जगह पे आप यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 के जगह पे 3 के जगह पे 2 करना पड़ेगा। क्लियर है? नीचे तो और भी जैसे कि होगा तो और हम भी आगे बढ़ता जाएगा ऐसे। जैसे हम जैसे वी हम लुकअप वी में क्या लुकअप में करते क्या करते हैं हैं, कि एक जगह एक से जगह से उसका उसका ऊपर ऊपर नीचे नीचे राइट राइट साइड सब साइड डेटा सब ले लेते डेटा, हैं, एच एच लुकअप लुकअप में में हम हम नहीं ले नहीं ले पाते हैं ना पाते। सारा। एक फॉर्मूला आपको एक कॉलम का देगा, एक रो का देगा, सॉरी वी लुकअप में कॉलम बाई चलते हैं, एच लुकअप में रो बाई चलते हैं। वी लुकअप में एक बार में एक रो कॉलम का डेटा देता है, एच लुकअप में एक बार एक रो का डेटा देता है, सिंपल। हाँ ठीक है, अब इसकी आप कीजिए प्रैक्टिस, कल की क्लास में हम इससे आगे किसी पे डिस्कस करें। ठीक है, बहुत हो सके चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम। ठीक। हाँ ओके ठीक बाय। ठीक